मूर्ति एकदम खास मूर्ति की मूर्ति बोला जाए तो एकदम एक लाइक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को महालय की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अभी भमुड़िया में, क्योंकि यहां का सीन बनने जा रहा है पहाड़ के ऊपर। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं कि कितना कंप्लीट हो चुका है पंडाल और कब कब क्या प्रोग्राम है, कब ओपनिंग है, वो सब कुछ इस वीडियो में रहेगा, पूरी डिटेल्स यहाँ आने की और जाने की। जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ भमुड़िया के जस्ट एंट्री पॉइंट में, ये पीछे भमुड़िया पड़ता है और एक साइड जो पड़ता है वो सरबड़ी और दूसरे साइड जो पड़ रहा है वो है आपका डिसरगढ़। तो चलिए गाइस, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रीतम, आप देख रहे हैं पीटीएम प्रीतम ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूजा ग्राउंड में, तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं काफी पंडाल रेडी हो चुका है। तो अभी दिखाएंगे अंदर जाके भी कि कितना रेडी हो चुका है और बाहर से भी, और यहाँ के जो कमेटी मेंबर उनसे भी बात करेंगे और पता करेंगे कब इसका ओपनिंग है, कब आप लोग आके यहाँ का माँ का दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा बाहर का सीन कितना भयानक लग रहा है देख के, काफ़ी खतरनाक पंडाल बना हुआ देख के लग रहा, कितना हाइट है। पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था एकदम खाली ग्राउंड था, बस बांस का बना हुआ था, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना भी खास पंडाल यहाँ हो सकता है। तो बाहर का सीन देख लिया, अब चलिए अंदर, अंदर क्या है, अंदर क्या खुरफाती किया हुआ वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा है यहाँ का मूर्ति इतना खास मूर्ति की एक एक बारीकी चीज जो कि डिटेल्स में दिखाया गया है, एक भी मिस्टेक नहीं या कुछ भी नहीं, मूर्ति बोला जाए तो एकदम एक लाइक। तो वो देखा आप लोग एंट्री पॉइंट जो कि एंट्री, और अभी हम लोग निकल रहे हैं पंडाल से और चलिए आप लोग को यहाँ के कमेटी मेम्बर से बात करवाते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअल अभी फिलहाल कच्चा है, अभी जस्ट रंग हुआ ही है, तो दिखाते हैं ये कैसे बन रहा है। ये जैसे कि मिस्त्री लोग देख रहे हैं, टोकरी लगाया जा रहा है, उसके ऊपर बोरा कुछ रख के कलर किया जा रहा है, जो कि एशियन पेंट पुट्टी होता है उसी को। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए यहाँ। मेरा नाम है शुभेंदु दास, मैं भमुरिया बथनेश्वर शिव दुर्गा पूजा कमेटी का एक मेंबर हूँ, और ये है बुबाई बुबाई दे, ये भी हम लोगों का मतलब यहाँ पर जो कमेटी का मेंबर है इसमें से ये भी एक तो मेंबर है। अच्छा,
तो यहाँ का जो थीम बना हुआ है एक्चुअली, वो थीम किस बेसिस पे बना हुआ है यहाँ का थीम? एक्चुअल इस थीम का नाम है पंचजोगी महामाया। मतलब यहाँ पर आप इस जो पहाड़ जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो गुहा की तरह है, उसके अंदर माँ योग साधना में है, इस तरह से हम लोग दिखाना चाहते हैं। और इस पहाड़ के मतलब ऊपर ही आप लोगों पंच जो देव होता है, गणेश, फिर सूर्यदेव, फिर नारायण, शिव और जो माँ दुर्गा, सभी मिलेगा। और उसके साथ हनुमान जी भी है शामिल। पंडाल का बजट क्या होगा, पंडाल का कुछ हम बजट? लोग इस साल का बजट लगभग 18-19 लाख पंडाल का सिर्फ बजट है? नहीं, हॉल टोटल। ऑल टोटल, ऑल टोटल। मूर्ति हमको देखने मिला, थोड़ा खास मूर्ति था यहाँ का, बता सकते हैं मूर्ति कहाँ से आया हुआ है? मूर्ति मूर्ति एक्चुअल हम लोगों का आया है मेदिनीपुर से। मेदिनीपुर? हाँ। क्या होगा बजट उस मूर्ति का, कुछ अप्रोक्स बता सकते हैं? क्योंकि हम जहाँ तक कवर किए यहाँ का मूर्ति है, मेरे हिसाब से एक थोड़ा खास लगा हमको देखने में। हाँ, ये खास है एक्चुअल। ये जो शिल्पी बनाया है ये बहुत अच्छा, हम लोग यहाँ पर पहले भी 3 साल बनाए हैं, बहुत अच्छा ही बनाते हैं। और ये ओपनिंग कब होगा यहाँ का? ओपनिंग होगा बृहस्पतिवार को 19 तारीख। 19 तारीख, 19 तारीख को आपका शाम के 5 बजे ओपनिंग होगा। मतलब उसके बाद, मतलब 5 बजे से पहले ये 5 बजे ओपनिंग होगा, फिर ऑल पब्लिक के लिए खुल जाएगा। ऑल पब्लिक के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि शाम को 5 बजे 19 तारीख ना, 19 तारीख को यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग यहाँ आके माँ दर्शन कर सकते हैं, पंडाल घूम सकते हैं। और मेला जो लगाने आ रहे हैं, मेला में एक्चुअली क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे? मेला में बहुत सारा है, वहाँ पर आपका मोनिहारी दुकान है, आपका नागरदोला है, फिर खाने का बहुत सारा दुकान है, ब्रेक डांस है, और भी बहुत कुछ है। प्रोग्राम कुछ? प्रोग्राम बोल, यहाँ पर डेली प्रोग्राम रहेगा आपका, डेली लोकल जो बच्चा है सांस्कृतिक अनुष्ठान करेगा, और थोड़ा लोकल जो बैंड है जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, ये सब का बैंड भी, मतलब लगभग डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलेगा ही। ये पंडाल का जो आर्टिस्ट है वो कहाँ से आया हुआ है? मेदिनीपुर। मेदिनीपुर, पंडाल और जो प्रतिमा है दोनों मेदिनीपुर का है। दोनों मेदिनीपुर का। कुछ बोलना चाहते हैं हमारे ऑडियंस? सभी को बोलना चाहते हैं कि आप लोग आइएगा यहाँ पर, आप लोगों का सहयोगिता बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो हम लोग इस साल, इससे बाद वाला साल भी और भी बेटर कुछ लेके आ सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, सबको आगाम शारदीय शुभेच्छा, नमस्कार। आप अपना नाम बता दीजिएगा एक बार। मेरा नाम बुबाई दे। बुबाई दे, थैंक यू सो मच, मिलकर अच्छा लगा आप लोग से। सब आइएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा भामुड़िया का पंडाल, कैसा लगा आप लोग को पंडाल नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो एक्चुअली पर्सनली पूछिएगा तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट पंडाल यही हमको लगा, जितना भी पंडाल देखे। तो चलिए गाइज, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पंडाल में। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग आ चुके हैं नितुड़िया, यहाँ का पंडाल देख सकते हैं कितना उमदा पंडाल है। तो यहाँ एक्चुअली बना हुआ है मंदिर, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को कि किस थीम पे कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो सब दिखाते हैं। ढाके ताले कोमर धोले खुशी ते नाचे मोर, आज बाजा का शोर जमा आशोर, থাকবে মা আর কতক্ষণ। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন, আজ বাজা কাশোর জমা আসর, থাকবে মা আর কতক্ষণ। अंदर में यहाँ के मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को कि क्या काम चल रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अभी यहाँ मिले हैं मिस्त्री जी, तो ये पंडाल के जो आर्टिस्ट है वो है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कुछ पंडाल के बारे में। तो दादा, अपना नाम की है प्रथम? चैतन्य बेरा। अपनारा कोथाई थी कि ऐसे छो? हमारा मेदिनीपुर थे। मेदिनीपुर, ये जो थीम हो थीमें नाम की ওটা হচ্ছে আপনার যে পুরীর মন্দির। পুরীর মন্দির, ওই পুরীর ওই অনুকরণে করা হচ্ছে, এটা বানানো হচ্ছে। কতদিন থেকে কাজটা হচ্ছে? ওটা ধরুন 1.5 মাস ধরে। 1.5 মাস? হ্যাঁ। কি দিয়ে কাজ করছো? থার্মোকল? না, থার্মোকল নয়, ওটা গদি, যে গদি ফোম, হ্যাঁ ওইটা দিয়ে কাজ হচ্ছে। বাজেট উজেট কিছু বলতে পারবে? বাজেট আছে 22 লাখ।
22 লাখ কতদিন মানে কি রেডি কবে হয়ে যাবে? आप लोगों ने देखा पंडाल भामुड़िया का और नितुड़िया का, मतलब कि आप लोग अगर इधर आते हैं डिसरगढ़ पार करते हैं तो आप लोग अगर भामुड़िया जाते हैं या तो नितुड़िया जाते हैं, तो नितुड़िया आते तो भामुड़िया जाना आपको जरूरी है और भामुड़िया आते हैं तो नितुड़िया आना जरूरी, क्योंकि इधर का जो खास पंडाल का अगर बोला जाए तो एक नितुड़िया एक भामुड़िया, जो कि मैंने दोनों आप लोग को पंडाल दिखाया, और कंप्लीट हो जाने के बाद और भी बहुत सारा पंडाल है वो भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज अगर नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ब्लॉग आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं।